डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू आवर साइंस क्लास। और आज हम साइंस की क्लास में करने वाले हैं क्लास टेंथ का जो हमारा टॉपिक है, चैप्टर चल रहा था हमारा लाइट। और लाइट में हम पढ़ने वाले हैं अभी जो है आपका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, साइन कन्वेंशन। क्या है आपका साइन कन्वेंशन फॉर दी रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर। ठीक है बच्चों, ये हमारा टॉपिक है। इस टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं कि जब भी आप न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करोगे, व्हेन यू आर गोइंग फॉर ए न्यूमेरिकल, देन व्हाट काइंड ऑफ साइन, दैट मीन्स इधर पॉजिटिव और नेगेटिव यू आर गोइंग टू टेक। आप पॉजिटिव साइन लोगे या नेगेटिव साइन लोगे, वो आपको यहाँ पे देख के बताना है कि हाँ इसका साइन ये वाला होगा। ठीक है बच्चों, बस हमारी है क्या मतलब ऐसा कहने का, अगर ये आपका कोई मिरर है, चाहे ये है चाहे ये वाला मिरर है, कोई भी आपका मिरर है, इससे आने वाली जो लाइट होगी वो कैसे फॉल करेगी, कहाँ जाएगी, इमेज कहाँ बनाएगी, उन सारी वैल्यूज को बेसिकली अगर हम बात करें तो हम आपको सिंपल चीज बताएंगे यहाँ पे कि आपके पास दो तीन टर्म होते हैं। एक आपके पास होता है यू, यू मतलब कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम पोल, फ्रॉम पोल। दूसरा होता है आपका इमेज डिस्टेंस फ्रॉम पोल, और तीसरा होता है आपका फोकल लेंथ। तीसरा क्या होता है आपका फोकल लेंथ। ठीक है, तो हमें ये तीन चीजें जो हैं बतानी है यहाँ पे। ठीक है बच्चों, तो अभी हम इस पॉइंट को डिस्कस करने वाले हैं साइन कन्वेंशन के, आपके पास अगर यू और वी और एफ जो हैं उनको आपको कैसा लेना है। तो अगर मैंने एक सिंपल एक कॉमन मिरर बना दिया इस तरीके से, ये आपका एक कॉमन मिरर है, चाहे वो कॉनवेक्स है चाहे वो कॉनकेव है, और ये इसका पोल है, ये क्या है इसका पोल। ठीक है, अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात समझ लो, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है, जो पोल से पास हो रहा है वो उसका प्रिंसिपल एक्सिस है। यहाँ पे मान लो सेंटर कर्वेचर भी होगा तो उसको हमें लेनी रखनी है, बाकी पोल यहीं पे होगा, ये फिक्स बात है। अब जो भी देखो ये वाली पार्ट कहलाती लेफ्ट साइड, ये कहलाती है आपकी लेफ्ट साइड, ये क्या कहलाएगी राइट साइड। ठीक है, तो पहला जो पॉइंट है वो ध्यान रखना आपको कि हम जो सारी की सारी मेजरमेंट करेंगे, ऑल दी मेजरमेंट शुड बी स्टार्ट फ्रॉम पोल। यानी कि जो भी आपको मेजरमेंट करना है, चाहे आप राइट साइड को मेजरमेंट करने जा रहे हो चाहे लेफ्ट साइड को मेजरमेंट करने जा रहे हो, वो आपको पोल से ही करना है, लेफ्ट राइट के लिए। ठीक है, ठीक है, अब क्या हो जाएगा, जो भी मेजरमेंट आप लेफ्ट साइड में करोगे फ्रॉम द पोल, मेजरमेंट फ्रॉम पोल टूवर्ड लेफ्ट साइड इज टेकन एज नेगेटिव। यानी कि जितनी भी डिस्टेंस आप मेजर करोगे नेगेटिव इस डायरेक्शन में लेफ्ट साइड में, वो कहलाएगी आपकी नेगेटिव। और इसका उल्टा क्या हो जाएगा, मेजरमेंट इन राइट साइड फ्रॉम पोल is taken as positive। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना जो भी जिस मेजरमेंट आप यहां से करोगे इधर की तरफ वो आपका होगा नेगेटिव, जो भी मेजरमेंट आप इधर करोगे वो हो जाएगा आपका पॉजिटिव। ठीक है, दो पॉइंट और भी हैं कि जितनी भी मेजरमेंट आप करोगे इस पोल से ऊपर की तरफ, दैट विल बी पॉजिटिव। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट Above principal axis,
taken as पॉजिटिव. जितनी भी मेजरमेंट आप इससे ऊपर करोगे पॉजिटिव, जितनी मेजरमेंट आप इसे नीचे करोगे वो आएगी आपकी नेगेटिव. एक बस लास्ट पॉइंट इसका रह गया, क्या है, ऑल द हाइट बिलो प्रिंसिपल एक्सिस, टेकन एज, कैसे ले लें उसको, टेकन एज नेगेटिव. ठीक है बच्चों, पांच पॉइंट है. पहला पॉइंट क्या था कि सारे सारे मेजरमेंट आपको फोन से ही करने हैं. दूसरा पॉइंट क्या था कि जो आप लेफ्ट साइड मेजरमेंट करोगे वो आपके हमेशा नेगेटिव होंगे, जो मेजरमेंट आप राइट साइड में करोगे वो हमेशा आपके पॉजिटिव होंगे, और ऊपर जो करोगे वो पॉजिटिव और नीचे जो करोगे वो नेगेटिव. अब इसका यूज क्या, हमने क्यों करा इसको, उस चीज को हम पढ़ लेते हैं. अगर आपको याद हो मैंने आपको कल छह केस कराए थे, कॉनकेव लेंस, कॉनकेव मिरर के, और दो केस कराए थे कॉन्वेक्स मिरर के. किसी भी एक केस को उठा लेते हैं यहां पे. हमने कहा कि व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सेंटर ऑफ सर्विस, तो इस केस का हम इस्तेमाल कर रहे हैं इसको समझने के लिए. ठीक है, इस केस का हम इस्तेमाल कर रहे हैं इस चीज को समझने के लिए, हमने इसको क्यों पढ़ा है. तो अगर आपको याद हो मैंने आपको बताया कि ये आपका कॉनकेव मिरर है, यहां से आपकी ये आपका फोकस है, ये आपका सेंटर ऑफ सर्विस, यहां आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, याद है. तो मैंने कहा था सीधी रे जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, वो हमेशा फोकस होकर पास करेगी. एक रे जाती सेंटर ऑफ सर्विस से टकरा के वापस लौट कर जहां जाके टकराती है वहां जाके इमेज बन जाती है, ए बी की आपकी ए डैश और बी डैश इमेज बन जाती है. ठीक है बच्चों, अब देखो इसका इस्तेमाल क्या होगा. यहां पर मैंने कहा कि सारा का सारा जो मेजरमेंट होगा वो हमेशा पोल से ही होगा. कहां से होगा वो, पोल से. अब पोल से यहां तक की डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस कहलाती है हमारी यू. ये मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग बताया था आपको, हम इसी काम को करने के लिए इस टॉपिक को हम पढ़ रहे हैं. ये कहलाती है आपकी यू, और जहां इमेज बनती है ये कहलाती है आपकी वी, और ये यहां से यहां तक पॉइंट करता है आपका फोकल लेंथ एफ. यानी कि हमें इस कन्वेंशन के टॉपिक को हम पढ़ रहे हैं उसको पढ़ रहे हैं यू वी और एफ की वैल्यू को देखने के लिए, नेगेटिव आएगी या पॉजिटिव आएगी. ठीक है, अब मैंने मान लिया कि लेट्स से यू की वैल्यू क्या है, माइनस का एक्स है, मतलब एक्स है, और वी की वैल्यू आपका वाई है, और इसकी वैल्यू क्या आपकी जेड है. ठीक है, तो मैं आपको दूसरा पॉइंट चाहता है कि जितना भी मेजरमेंट आप पोल से लेफ्ट साइड में करते हो फ्रॉम पोल वो ले जाते हैं नेगेटिव. इसका मतलब आपका यू हो जाएगा आपका नेगेटिव, वी हो जाएगा आपका नेगेटिव, और आपका ये हो जाएगा आपका नेगेटिव. यानी कि आपको तीनों की तीनों चीजें ही नेगेटिव होंगी. क्यों होंगी, क्योंकि सारा का सारा मेजरमेंट जो वो आपका लेफ्ट साइड में ही चल रहा है. हम राइट साइड में कुछ मेजरमेंट कर ही नहीं रहे, कोई चीज है ही नहीं राइट साइड में, ना तो फोकल लेंथ है, ना ऑब्जेक्ट है, ना इमेज है, सब कुछ लेफ्ट साइड में है, इसलिए हमने इसको मान लिया पॉजिटिव. ठीक है बच्चों, आई होप ये आपको समझ आ गया होगा, और यही इस टॉपिक का आपका कंक्लूजन है कि आपके पास में कोई भी मिरर होगा वो साइन कन्वेंशन को फॉलो करेगा. ठीक है बच्चों, और इसी तरीके से अगर हम बात करें मैग्निफिकेशन की, अगर हम बात करें इसकी हाइट की, तो यहां पर आपकी हाइट हो जाएगी पॉजिटिव, इसको मैंने एच आई नाम दे दिया, और यहां पर आ गई एच आई, इसको मैंने आपको नेगेटिव नाम दे दिया. ठीक है, अब इनका रेशियो कहलाता है क्या, मैग्निफिकेशन, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज का रेशियो कहलाता है आपका मैग्निफिकेशन. तो उसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, फिलहाल हम इसको इतना ही कर रहे हैं यहाँ पे. इस टॉपिक को हम यहीं पे लिमिट कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत अच्छा टॉपिक है आपके न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए, इसलिए मैंने इसके लिए अलग से ही एक वीडियो बनाई है. ठीक है बच्चों, तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम बनाएंगे यहाँ पे मैग्निफिकेशन के बारे में, फिर इसके बेस पर न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे स्फेरिकल मिरर के बेस पे. ओके, वंस अगेन बच्चों थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. इफ यू लाइक द वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल. ओके, एंजॉय योर डे, बाय बाय फॉर नाउ.